जस्टिव देख रहे तुसी, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा स्वागत करता। भारत दे अगे चीन संकट, उस दा हल किवें निकलेगा, इहो जे सवाल बहुत सारे आ रहे आ सामने। सवाल इस करके सामने आ रहे हैं, इन्हां ते सियासत हो रही है, पर एक्चुअल पोजिशन की हैगी एलएसी दी, उस ते चर्चा करनी बनती है। भारत इस पूरे मामले दे विच किते बैकफुट ते नज़र तां नहीं आ रहा, जां चाइना जिहड़ा वो दुनिया में घिरदा होया नज़र तो नहीं आ रहा। सारे सवाल होंगे जरूर, फिंगर फोर तो लैके फिंगर फाइव तक, फिंगर एट तक की पोजिशन हैगी है, बैंकॉक लेक तो लैके गोगरा पोस्ट तक चीन की जिहड़ी फौज है उसका स्टैंड की हैगा, तो भारत का स्टैंड की हैगा। पर इस सब के विचाले बयान आ रहे हैं अमरीका तो। जो अमरीका बयान दिंदा उदो यह दुनिया को सदा दिंदा कि जे अज असी खुंझ गए तो सानू भारी कीमत चुकानी पेगी साडी अगली आने वाली पीढ़ियां ते। साडा सवाल इक्को होगा, चीन नूं किवें घेरेगी दुनिया। वड्डा सवाल इस डिबेट में जिहड़ा पूछा जाएगा, वड्डा सवाल यह होगा चीन नूं हद्दां च रखण लई भारत किहड़ी प्लानिंग च लगा। इस सवाल ते बहस करांगे, पैनल साडे नाल मौजूद हैगा, उन्हां तुहाडा तारुफ करा रहा। बहुत ही खास पैनल है इह, इह पैनल है जिहड़ा एक जंग लड़ चुकिया ते एक जंग नूं कवर कर चुकिया। करगिल वार ते अस जिक्र कर रहे हैं, ब्रिगेडियर एम पी एस बाजवा साडे नाल मौजूद होणगे। जे टाइगर हिल का जिक्र हुंदा, करगिल वार का जिक्र हुंदा, बंगलादेश का जिक्र हुंदा, तां उत्थे एम पी एस बाजवा जिक्र हुंदा। जे 192 माउंटेन ब्रिगेड का जिक्र हुंदा, तां जदों 86 का जिक्र हुंदा तां ब्रिगेडियर एम पी एस बाजवा जिक्र हुंदा। इस करके ब्रिगेडियर बाजवा नूं सद्दिया, डिफेंस एक्सपर्ट दे तौर ते साडे मौजूद रहणगे। बाजवा साहब सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर, ते तुहानूं सलाम वी है सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत खुशी हुई है तुहाडे टीवी ते पहली वार आउंदे। चलो बहुत शुक्रिया सर, साडी पूरी टीम तुहाडा धन्नवाद करती है। विक्रमजीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट, अक्सर तुसीं इन्हां नूं साडे नाल टीवी डिबेट विच देखदे हो। विक्रमजीत सिंह दी खासियत यह हैगी है कि करगिल वार इन्हां ने कवर कर चुके हैं, वार कोरसपोंडेंट ने, ते जिहड़ा हुण सारा मसला खड़ा होया ईस्टर्न लद्दाख ते, उत्थे वी इह जाके आए हुए हैं, ते इन्हां नूं सारी स्थिति उत्थे दी पता हैगी है कि मौसम बदलेगा जां सियासत बदलेगी जां अमरीका ते होर गवांढी मुल्कां नाल साडे रिश्ते बदलणगे, उस नाल इह सारा मसला हल होवेगा। इह मसला हल किवें होवेगा, विक्रमजीत सिंह दी कोशिश करांगे। विक्रमजीत सिंह दी कलम ने भी बहुत कुछ लिखिया ते विक्रमजीत सिंह दीआं अक्खां ने भी इस सारे माहौल नूं देखिया होया, इस करके हो सकता है। विक्रमजीत सिंह सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। ब्रिगेडियर बाजवा, पहला सवाल सर तुहानूं करना चाहूँगा, चीन बड़ा चालबाज है सारे कहिंदे है बाजवा साहब, पर चीन की चालबाजी के अगे भारत की प्लानिंग कितें फिक्की तो नहीं पै रही? मेरे ख्याल चीन चालबाज है कोई शक नहीं है, भारत को पहले ही पता ही है और इस चीज का हर एक पता है कि चीन चालबाज है। ये 62 ऑनवर्ड सबनों पता है। जोड़ा फिलहाल इस वक्त है, जो भी हालात बन रहे हैं, वो मैं समझना कि चीन की एक बड़ी सोची समझी साजिश है, जिमें कि वह पेंगोंग से तो लैके जो भी फिंगर एट तो लैके दो तक चार तक जो कि असं डिस्कस करा, मैं तुम डिटेल दसागा जो मेरे व्यूज ने, और गोगरा एरिया दे विच, हॉट स्प्रिंग एरिया दे विच, और जो भी पी पी 14 जिते रहा गलवान रिवर दे विच, और टॉप से ओल्डी जरा एयरबेस है साडा, उहदे जिहड़े ऑपोजिट हुण नवी एक डस्टबिन जगह है सरकन तो नीचे, जिते कि हुण देखा गया कंस्ट्रक्शन काफ़ी है। ये बारे भी जरूर मैं दसना चाहवागा इहदा की है और की हुण अगों हो सकता है, या इहदे की अगों उहनां कोल ऑप्शन ने। फिर असीं जावांगे कि मेरे ख्याल अमेरिका का व्यू पॉइंट और दुनिया का व्यू पॉइंट की है, और चाइना किवें बिहेव करेगा और साढ़े अभी किवें बिहेव। ठीक है ब्रिगेडियर बाजवा, मैं सर पहला सवाल ही तुहाडे तों लै लैणा, बाजवा साहब इस वक्त एक्चुअल पोजिशन की है, कि है चाइना की फौज है जिहड़ी वो कित्थे कित्थे डटी हुई है, जिथे वो अड़ी हुई है कि असीं इत्थों हिलना नहीं गा? देखो पहला मैं लेना पेंगोंग से लेक, पेंगोंग से लेक तुहानूं पता कि 134 किलोमीटर लंबी लेक है, जिहदी च 1/3 हिस्सा साडे कोल बाकी चाइना। गल आउंदी है सारी फिंगर एट, पहला एस असीं परसीव करदे सी कि फिंगर एट जिहड़ी है वह बाउंड्री है साड़ी एल ए सी, उस तो बाद उन्होंने पेट्रोल साड़िया पेट्रोल भी जाएँ सी, पानी पेट्रोल जाएँ सी, और उस टाइम भी जाए सी कभी कभी आई टी पी पी के थ्रू, और कभी कभी पेट्रोल जाती, कभी कोई अलग जहाँ कलैश नहीं था ना, वो फिगर 4 तक आते और चले जाते, साड़ी अपनी परसैप्शन थी, उन्होंने अपनी परसैप्शन, साड़ी थी फिगर 3 के उत्ते आई टी पी पी की 4 सी, और जितों तक अभी सारा मेनटेन कर रहे थे। हूँ गल ये हुई, पहला मैंने पेंगोंग से लै लें जी, तो जो 1999 कारगिल युद्ध तो बाद
जो जॉर्ज फर्नांडिस ने साडे रक्षा मंत्री ने यह इंस्ट्रक्शन दित्तियां कि इंफ्रास्ट्रक्चर साडा रोड का बनना चाहिए और यह रोड जी कि दौलत बेग ओल्डियम जारी से दरबक तो लैके जी कि लेह तो दरबक तक सी रोड दरबक तो दौलत बेग ओल्डियम जी अगे जा रही थी और अगे उन्होंने कराकोरम हाईवे पैंदा उदों तक जी रोड है वह इन्नी अच्छी नहीं थी जी कि सिर्फ वन वे रोड थी कई बार गर्दियां अपने वैदर वे रोड थी उन्होंने अच्छी रोड बनाने सानू 19 साल लग गए पिछले साल 2019 जो इनैगोरेशन हुई है पुल की और रोड की जरा कि जा रहा अशोक रिवर दोस्तों की लंघ के ये रोड जरा अशोक रिवर खब्बे पास जा अशोक रिवर मैं कह नदियां ही सारिया जिन्हिया तिब्बत तो निकलदियां अशोक रिवर जी कराक्रम तो आती है और यही अगों जाके टर्न करके लैफ्ट टर्न करके नुबरा वैली च यह तुरतुक जाके तो मिल जाती है पाकिस्तान चल जाती तो सारा तुरतुक जोड़ा है अगेन साड़ी पाकिस्तान आदत को केयर कर रहे ये इंपोर्टेंस मैं लिया दौ कि जो अशोक रिवर की या नुबरा वैली की और इस वैली की की इंपोर्टेंस तो जो अभी गिलगत से बालस्तान जावे क्यों है सारी चलती क्यों चाइना इस चीज़ आया और किमें हुई है गल हूँ पिंगोंग से तो वापस दोबारा आने फिगर 8 तो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पता लग गया कि जो सा रोड बननी शुरू हुई तो उन्होंने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करता फिगर 6 च एक नीचे बीच एरिया पैदा है जिसे उन्होंने बोर्ड्स और जैटी वगैरह सब कुछ तैयार है और हर कुछ चीज़ उन्होंने पूरी पूरी तरह का बेस बनाया फिंगर 6 तो लैके फिंगर 4 तक उन्होंने शॉर्ट ऑफ दैट 2 वे रोड बनाई थी फिंगर 4 तक यह 2004 पूरी हो गई दूसरे पास टॉप के भी टिकट दौत में गोल्टी 2015 के आके 30 किलोमीटर दूर अपने टेंट लगा रहा है चाइनीज उदो जनरल बिक्रम सन जो आर्मी चीफ गलबात के दौरान उन्होंने थोड़ी बहुत साढ़े को एलीमेंट जो पिछले डाउन साउथ लद्दाख मूव कर दिए गए तो इस करके जलों उस जो ये चीज़ा फिंगर वगैरह आ गई 4 फिंगर से उन्होंने सोचा कि हूँ आके पड़ गए मेरा सिर्फ कहना है कि सानू क्यों नहीं साड़ी इंटैलीजेंस नूं जां साडे हुण सैटेलाइट पिक्चर बड़ा क्लियर शो कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना ने बना लिया थी 2004 सानू क्यों नहीं पता लगा कि फिंगर 6 तो लैके फिंगर 6 तक तो बहुत अच्छा बनया पाया 6 फिंगर 4 तक आ गया हूँ फिंगर 4 इस वक्त उन्हों का है जो मैं समझदा हाँ वो फिंगर 4 तक मजबूती दे नाल घटे ने जी और घटे रहा फिंगर 4 से पिछे नहीं गया तुहानू ये इंटैलीजेंस फेलियर लगता है बायो साहब बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर लगता छोटा नहीं चलो ठीक है मैं वापस आऊंगा सर तुहाडे को बायो साहब वापस आऊंगा विक्रमजीत सर आप जोड़ लीए विक्रमजीत सिंह सर एक्सप्लेनेशन बायो साहब ने जो दसी है तुम इस इतफाक रखते हो मेरा दूजा सवाल सर नाल यह है कि इस तो बाद जिहड़ा मौसम है वह बदलता जाना लगातार तो मौसम के नाल सानू तंगियां होर आनगियां साडी आर्मी नूं वी आउणगियां उन्हां दी आर्मी नूं वी आउणगियां साडे कोल जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है 40,000 फौज उन्हां दी उत्थे लक्की हुई है साडी फौज भी इत्थों तैयारी करती पई है सानू वो कोई डाटा नहीं चाहिए तुहाडे तों किन्नी फौज साडी जा रही है जां असीं की तैयारी करदे पए हां मेरा सवाल है विक्रमजीत सिंह असीं उन्हां नूं उत्थों हटाउण विच सफल हो सकते हैं नहीं देखो आई डिसएग्री विद दिस एनालिसिस और असेसमेंट के चाइनीज दा रिएक्शन साडी रोड्स दे कारण होया हैगा क्योंकि जिहड़ी दौलत बेग ओल्डी शायोक रोड है वह 18 साल की बन रही हैगी है दूजी गल हैगी कि इंडिया और चाइना विच मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर का इन्ना वड्डा डिफरेंशियल हैगा कि द चाइनीज डू नॉट रियलिस्टिकली थिंक कि इंडिया अक्साई चिन्हों कैप्चर कर लेंगे या ज़्यादा थ्रेट दे सकते हैं जो एक्चुअली गल हैगी है एट द चाइनीज स्ट्रैटेजी इस जेड़ा इंडिया ने POK नू थ्रेट दिता है और पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर नू बार बार थ्रेट दे रही है चाइना का वरी उत्थे हैगा और पाकिस्तान ने चाइना नू ए कंप्लेंट की है कि इंडिया सानू एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे रही है जिस तरह बालाकोट में हमला किया चाइना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी चैलेंज की सो वॉट चाइना इज डूइंग वेरी सिंपली बट दिस इज द एक्चुअल चाइना स्ट्रैटेजी के लद्दाख में वड्डा फ्रंट खोल के वो इंडिया नू मिलिट्री नू डिवाइड करता है अगर इंडिया हुण POK ते नज़र करता हैगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि चाइना लद्दाख में खोल के बह गया तुसी मेरे ये पॉइंट नोट करो कि हुण 2-3 महीने हो गए ने कि कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन मिनिस्टर या आर्मी का चीफ POK का टेक ओवर करने की गल नहीं कर रहा
ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਖੋਲਿਆ ਲੱਦਾਖ ਫਰੰਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਪੀਓਕੇ मैं विक्रम जी इसे पॉइंट से सर वापस आ रहा थोड़े को इसे पॉइंट से वापस आऊँगा एक छोटा ब्रेक ले लीजिए ब्रेक तो वापस आवे अमेरिका दे नाल इंडिया दे रिश्ते आ जिहड़े वो ज़्यादा वधिया हो गए इस करके रोला पै रहा सीगा जां उत्थे इनफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा बिल्ट अप हो रहा उसके करके रोला पै रहा सीगा पर विक्रम जी थरां जिहड़ा पॉइंट चुकिया वो ये कह रहा कि पीओ करके रोला पै रहा पीओ के करके की रोला पै रहा इसे पॉइंट को समझांगे ब्रेक तो वापस आ रहा चीन हद्दां च रखण लई भारत कि प्लानिंग च लगा विक्रमजीत सिंह मैं तुहाडे पॉइंट तो सर अगे वधा रहा सैगमेंट मैंने एक चीज़ क्लीयर कर दो सर पीओके तुहानूं वड्डा पॉइंट लगता अमेरिका नाल नेड़ता वो पॉइंट नहीं लगता तुहानूं तारा 370 वाला पॉइंट है वो पीओके नाल जोड़ के तुसीं देखदे पए हो बिल्कुल यू सी अमेरिका की जिहड़ी सपोर्ट है इंडिया नूं ओपन सपोर्ट एंड कवर्ट सपोर्ट उहदे नाल चाइना चिड़दा बहुत बुरी तरह और इट इज बिकॉज ऑफ अमेरिकन सपोर्ट टू इंडिया के इंडिया ने आर्टिकल 370 नूं एब्रोगेट भी किया और तुसी देखो कि जिहड़ी बलूची अटैक कर रहे ने पाकिस्तान इकनोमिक कोरीडोर चाइना पाकिस्तान इकनोमिक कोरीडोर नूं ओ भी एक गल आ रही है कि किते इंडिया और यूएस उहदे पिछे यूएस इंडिया कल्यूजन एज कंटेनिंग चाइना कि चाइना नूं बंद के रखी और चाइना ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा थ्रू सीपैक एंड क्वाड एयरपोर्ट सो 1962 वॉर विच भी जब अमेरिका ने चाइना इंडिया नू बहुत हेल्प किया इंटेलिजेंस लेवल ते होर बड़िया चीजा तब चाइना ने इंडिया नू लेसन टीच किया सीगा क्योंकि दे फेल्ट इंडिया वॉज अ सरोगेट ऑफ द यूएस अज ओही गल आ रही है कि चाइना सीज इंडिया एज अ सरोगेट ऑफ द यूएस और यूएस नाल मिलके ये चाइना नू कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तुसी आ पॉइंट नोट करो कि जिहड़ा क्वाड है नेवीज और यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया ओ इंडिया ने अपग्रेड करता है टू मिनिस्टेरियल लेवल ओ डायरेक्ट थ्रेट है टू चाइना क्योंकि चाइना ने मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जाना होंगे अपनी शिप्स लैके और असी उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं जिहड़ा क्वाड अलायंस है सो चाइना डेफिनेटली सीज यूएस इंडिया कल्यूजन और एक्सिस और अलायंस एज अ थ्रेट और हुण चाइना की कर रहा है कि लद्दाख से इंडिया की बाम रोड़ रहा और वो दुनिया नू कह रहा और यूएस नू कह रहा है कि इंडिया की असी बाम रोड़ांगे और तुसी कुछ नहीं कर सकोगे इट इज अ सिग्नल टू द एंटायर वर्ल्ड इट इज अ सिग्नल ऑल्सो टू ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड चाइना के फॉर सिक्योरिटी परपसेज तुसी चाइना नू देखो तुसी इंडिया तुहाडे ते इंडिया कुछ नहीं कर सकेगी ये पूरी जियो स्ट्रैटेजी खेलती है चाइना by coming into Ladakh ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਭੜ ਲਵੇਗੀ ਯੂ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੜੀ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਫਟਰ ਆਰਟੀਕਲ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਫ 317 ਔਨ ਅਗਸਟ 5 ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਇੰਫੈਟਿਕ ਐਂਡ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ तो उदे बाद तुसी नोट करो कि चाइना ने अपने प्लान्स तैयारी शुरू कर ली सी कि अप्रैल दे महीने च आके ओ लद्दाख विच इनकर्जन और इंट्रूजन करेंगे और ओही गल हुई ठीक ठीक है सर ठीक है विक्रमजीत बाजवा साहब एक तुसी सवाल कीता सी इंटेलिजेंस फेलियर मेरा सवाल सर तुहाडे नाल ओही है विक्रमजीत सिंह नाल जिहड़ी गल कही है कि अप्रैल दे विच उन्होंने तैयारी कर ली सी चाइना दे बयानों तो सानू समझ आना चाहिए तो हुण पीओके ते साडी बयानबाजी नहीं हो रही बायो साहब तुसी इस गल इतफाक रखते हो कि इंटैलीजेंस फेलियर इस सब के बावजूद भी होया जो सानू पता सी कि असी आर्टिकल 370 के बारे फैसला कर चुके हैं उसके बावजूद भी असी उन्हां चीज़ों वाल ध्यान नहीं दिता बायो साहब नहीं सिर्फ यही गल नहीं कि सिर्फ फायदे करके फेलियर इंटैलीजेंस फेलियर होर भी बहुत ज्यादा होए पहली गल है जिवें हुणे उन्होंने विक्रम जी ने दस्या
कि लद्दाख के जो एडवोकेट किया और लद्दाख में यूनियन टेरेटरी डिक्लेयर करता 1920-1919 पिछले साल असी एक मैप इशू करता ये गिलगित पाकिस्तान का मौसम दसना शुरू कर दिता और इंकलूड कर लिया अपने एरिए इतने ही नेपाल के काला पानी भी इंकलूड कर जो कि नेपाल ने तौड़ा पाना शुरू कर दिता। चाइना ने सब देखा कि उन्होंने एक ही कोरीडोर तुम पता कि जिम्मे हमने उन्होंने मैनशन किया कि सीप कोरीडोर जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने वास्ते एक लाइफ लाइन है जी कवत गवत उस जा रही है उन्होंने सारा ऑयल जरा सारा दारो मदार उस लाइन से डिपेंड कर रहा है साइकिल आएगा जरा कि विंडो देख रहा सारी रोड को पूरा ऑब्जर्व कर रहा है उन्होंने वास्ते ये गलवान वैली एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज बन जाती है। अप्रैल के महीने के ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंटैलीजेंस रिपोर्ट्स और इजराइल की इंटैलीजेंस रिपोर्ट्स ने दसिया कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जी तिब्बत हो रही है वो तो साढ़ा सब तो इसी कि दो महीने लग जाते हैं तिब्बत पहुंचते पहुंचते चाइना आर्मी को उन्होंने कहा नहीं जी एक्सरसाइज हो रही है एक्सरसाइज कर रहे हैं इस करके सारा चाइना उन्होंने तिब्बत अपनी पूरी आर्मी वैस्टर्न थिएटर के अपना जिन्हें भी एलीमेंट्स पा के बैठ गए अप्रैल के मेरा ख्याल है कि सानू समझना चाहिए सी अप्रैल च और जो उन्होंने बिल्कुल क्लीयर सी कि हूँ पाकिस्तान में भी असं 20,000 जो जो भी ट्रुप्स 60,000 मूव किए ये भी उत्थे एरिए मूव किए जिते कि असं हूँ बटालिक सैक्टर कहने वो ऑपोजिट और शोक रिवर के ऑपोजिट जिते जिन्हों को मैं पहला बात कह रहा वो जो उन्होंने सी कि जो असी अगर कोई यहोजा गल हुई अभी बालिस्तान से इन दोवे चीज़ों नहीं छड़ना असी इस चीज़ को विचों करके साइकिल में कट पोज कर देना उदो उन्होंने कोरीडोर कट पोज हो रहा यह इंटैलीजेंस फेलियर थी उस वक्त का जो सारी उन्होंने कर रहे थे। भाया साहब मैं एक चीज़ तुम समझना चाहता मैं थोड़े कई इंटरव्यू भी देखी है जिद सारा कुछ दस्या है करगिल वेले की कुछ होया टाइगर हिल से जो तुम फतेह की उदो की कुछ होया सवाल यह हैगा सर जो वो पॉलिसी है जी जी उस वे काम कर रही थी चाइना के नाल सर वो पॉलिसी काम कर सकती है चाइना नाल पॉलिसी इंटैलीजेंस फेलियर की पॉलिसी वो सेम काम कर सकती है क्यों जो चाइना नाल सेम जो पाकिस्तान वाली गल हो सी इतनी वो चीज़ पॉलिसी नहीं चाइना जरा बिल्कुल क्लीयर है इस चीज के हूँ उन्होंने पोज करना थ्रेट सानू और को दो ही ऑप्शन ने वो मैं ऑप्शन बाद करा पहला लैस डिस्कस कि सानू बाकी ताकतों का या साउथ चाइना सी के उन्होंने मैनशन किया स्टेट ऑफ मलाका का आस्ट्रेलिया का रोल भी आता है ये सिर्फ अमेरिका का या यूएस का रोल ही नहीं आता क्योंकि आस्ट्रेलिया ने भी शिकायत की थी जी कि हमायत असी की याद जी हमायत असी किसी के हाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वुहान के जो भी होया है यह सारा जिन्ना भी है सारा वायरस उतो लंघ गया उन्होंने कहा हर चीज़ के इंटरफेरेंस इन्हों की हो रही ना कि साढ़े पड़ोसी देश ने उन्होंने कोशिश की कि सानू उन्होंने श्रीलंका नेपाल में तो कर ही लिया उन्होंने अपने बात थोड़ा बहुत पर नेपाल ने बिच कोई इंटरफेयर नहीं करेगा ना ही श्रीलंका करेगा ना ही कोई बंगलादेश करेगा सिर्फ पाकिस्तान का हैगा उन्होंने एनी जो कि पार्टीसपेट कर सकता। ठीक है विक्रमजीत ये सवाल ना वार बार हर डिबेट में आता तो मैं लगता हर डिबेट में पूछना भी चाहिए साढ़े नाल कौन खड़ा सर देखो केपी दी साड़ी रिलायंस एट द मोमेंट इज मोर ऑन इंटरनेशनल अलायंस लाइक जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया टू सम एक्सटेंट फॉर नेवल अलायंस या फिर साड़ी अलायंस जिहड़ी दूजी है ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी के असी चाइना नू शेम करिए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कंडेम करिए कि तुसी गलत कर रहे हो तुसी एक्सपेंशनिस्ट हो तुसी हिटलर वांगू एक्सपेंशनिज्म कर रहे हो जा उन्होंने जी 5G UID नेटवर्क है उन्होंने अलाउ ना करिए जिस तरह यूके ने बैन किया है हूँ यूएस ने पहला ही बैन करता सी ऑस्ट्रेलिया ने भी डिसीजन लीतिया ने इंडिया ने भी डिसीजन लीतिया ने लेकिन केपी जी गल ये आती है कि ऑन द लैंड बॉर्डर इन द हाई हिमालिया उपर सानू कौन मदद करेगा क्योंकि जंग तो उत्थे है तुसी देखो नोट करो कि यूएस की नेवी और इंडियन नेवी ने इस हफ्ते एक पैसेज एक्सरसाइज की है इन द अंडमान सी बट इज इट इफेक्टिव बियॉन्ड मिलिट्री पोस्चरिंग जिस दिन गोलियां चलन लगियां लद्दाख विच विल यूएस इंटरवीन और ऑल्सो स्टार्ट फायरिंग इट्स मिसाइल्स ऑन चाइना दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन अगर चाइना यूएस नाल अपनी कुछ बना के रखता है ज्यादा फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करता या साउथ चाइना सी विच ओ ज्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं लैंदा
लेकिन लद्दाख विच प्रेशर माउंट करी जाएगा, एस्केलेशन करी जाएगा, फिर असी की करांगे। सी यूएस इज वेरी इफेक्टिव, यूएस एक गल यूएस कर रहा है साडे लिए कि यूएस सानू इंटेलिजेंस दे रहा है ऑन चाइनीज मूवमेंट्स इन अक्साई चिन, क्योंकि यूएस कोल आईएसआर कैपेबिलिटी जड़ी इंटेलिजेंस सैटेलाइट रिकॉनिसेंस सर्वेलेंस बहुत अच्छी ने। सो डोकलम विच भी यूएस ने सानू ये इंटेलिजेंस दी सी कि चाइनीज मूवमेंट्स की ने डोकलम विच, हुण भी यूएस सानू दस रहा है कि चाइनीज मूवमेंट ट्रुप मूवमेंट उन्हां दी मूवमेंट टिबट विच अगे किन्नी एक्सरसाइजेस कर रहे ने, किन्ने ट्रुप्स आ गए, वो यूएस सानू दे रहा चुपचाप दे रहा। लेकिन जब जब एक्चुअल कन्फ्रंटेशन होंदी है फिर यूएस ओदे बियॉन्ड की करूगा जां ऑस्ट्रेलिया की करूगा जां जापान की करूगा इन लद्दाख इन सपोजिंग दे ओपन अ फ्रंट इन भूटान। देखो भूटान विच भी इन्होंने एक पंगा पा लिया चाइना ने, उन्होंने एक न्यू क्लेम पाता है जी कि जिहड़ी सकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो साडी है एरिया, ठीक है। अरुणाचल विच भी चाइना ने बिल्डअप कर लिया बहुत बड़ा, चाइनीज आर्मी इज नाउ बिल्ट अप ऑपोजिट अरुणाचल, ओथे साडी मदद किस तरह की होएगी। ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਐਸ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਖਰਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ? ਦੋਨੋਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਗਿਲ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਕਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ MPS ਬਾਜਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰ ਸਾਡੀ TV ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤ ਲਿਜਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਰਚਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੀ 1 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਾਊਂਟਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਓਕੂਪਾਈਡ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕੋ ਜਾਈਏ ਕੌਰਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪੀਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁਕਸ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁਕਸ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਈਸਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਰ ਲਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਲੱਦਾਖ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਆ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ,
तो चाइना सी दे विच जरूर जाणगे अपनी प्रेजेंस विखाउण लई स्टेट्स नाल मुलाकात क्योंकि उन्होंने इंडस्ट भी उत्ते ही जो उन्होंने बंदे को विड्रॉ किए हैं कहते जर्मन चो तो लिया के दिते ने तो इतने लद्दाख से नहीं आने चाइना के अपने यूएस के वो जाएंगे उत्थे एरिए थोड़ा जहा सपोर्ट कर उन्होंने अपने फील्ड उत्ते जाएंगे उन्होंने अपना इंटरस्ट है जे जपैन है वह भी साथ नाल हमायत रखता है क्यों जो उन्होंने खुद जोड़ा है एक छोटे जे जरा आईलैंड से उत्ते वो कब्जा कर लू कहते हैं कितना सौ चाइना से जापैन ये सारिया चीज़ा बाहर भी सपोर्ट साढ़े को है इन्हों कंट्रीज की भी है उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं है चाइना तो जोड़ा कि साधा सिर्फ ये कि इंटरनेशनल लेवल से यह सानू इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहिए और ये जो खुदा ना खासता ये मेरा ख्याल है कि चाइना का जो होर एम है ये है कि सानू ये सर्दियों के लिया के उत्ते खड़ा कर देंगे और सानू ये छोटे छोटे कट देंगे जहाँ कि असी इस तरीके चाहे कि इनू इस तरह पनिश किया जाए इंडिया जिनी देर के कोई गोली चल बायो साहब मैं थोड़ा जहा मैनू जो थोड़ा जहाँ कलैरिटी दे दो जिहड़ा मिलटरी लैवल से असी जिहड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं चाइना के नाल जां चाइना जो चाहता साढ़े तो भी मिलटरी लैवल से असी उन्हां नाल लड़ाई लड़ीए उत्थे जिन्नी कु हुण तिकर साढ़े कोल अपडेट हैगी है सवाल यह हैगा कि मिलटरी लैवल से लड़न की बजाय इंटरनेशनल कम्यूनिटी के जरिए असी ये लड़ाई जितना चाहते हैं असी इस तरीके ना काम करते पे हैं बायो साहब बिल्कुल असी चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली बहुत जरूरी है ये हर जंग के होना है कि सारा जो इंटरनेशनल जो ओपीनियन वो बनना बहुत जरूरी है हर हाल और असी और डिप्लोमैटिक डिसीजन करके असी चाहते हाँ कि असी इस चीज़ को ना छेड़िए और ना इस कॉन्फ्रंटेशन पीए और जी जंग सा इस तरह ही उन्होंने तो प्रेशर आता रहे चाइना पर उन्होंने इस तरह ही कट ऑफ होंगे रहे पूरी वर्ल्ड तो और जो इस चीज़ के इंडल्ज ना करे और ना असं इंडल्ज करिए आपस साड़ी कॉन्फ्रंटेशन पाई ओपन ठीक है विक्रमजीत एक तो डिप्लोमैटिक चैनल है बायो साहब ने जिक्र किया तो भी मेरे उन्होंने सहमत होंगे डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए गलबात होनी चाहिए है सवाल यह है एक पास जे असं फैसले भी कर रहे हैं मैं ऐप्स का कला जिक्र नहीं करूँगा सर वो ऐप 59 चीनी ऐप्स बैन करती मैं उस डिबेट में नहीं लेना चाहता गा हालांकि वो एक पॉइंट हैगा वक्रा सवाल यह है जे असी व्यापारक पद्धर से कोई फैसले करते पे हैं उस दे नाल सर असी कोई असर पा सकांगे चाइना ते जां कोई असर नहीं आउंदा देखो केपी जब चाइना ने लद्दाख विच इंट्रूजन कीती है ते उन्होंने ये स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन करके आए सीगे कि उन्होंने ट्रेड इंडिया नाल पोलिटिकल कॉन्टैक्ट्स डिप्लोमेसी ते सेटबैक आएगा जी दे न्यू दे विल पे कॉस्ट फॉर इनवेडिंग लद्दाख लेकिन चाइना दी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन इज एम्ड एट डोमिनेटिंग द पोस्ट कोविड वर्ल्ड जब दुनिया कोविड विचो बाहर आएगी तो चाइना चाहता हैगा कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विचो डोमिनेट करे और इसलिए चाइना इज मूविंग एट द स्ट्रैटेजिक लेवल और वेन एक कंट्री स्ट्रैटेजिक लेवल ते मूव करती है तो वो कंट्री फिर कॉस्ट पे करती है इट पेज कॉस्ट फॉर सॉफ्ट जिहड़ी उहदी सॉफ्ट इमेज हुंदी है उहदी रेपुटेशनल कॉस्ट हुंदियां ने उहदी डिप्लोमैटिक कॉस्ट हुंदियां ने तो जो मेरी असैसमेंट है कि चाइना ने एक कैलकुलेशन कीती हुई है कि इंडिया रिटैलीएट करेगा और उहदे ऐप्स बैन करेगा ट्रेड नू हिट करेगा इन्वेस्टमेंट्स बैन करेगा ऑल ऑफ दैट बट इंडिया इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट अ पार्टनर फॉर चाइना क्योंकि चाइना दे जिहड़ा ट्रेड डेफिसिट है उहदे फेवर च है बट इट इज ओनली $45 बिलियन ठीक है इट इज जस्ट $45 बिलियन चाइना इज लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर हुण चाइना $400 बिलियन $300 बिलियन का ईरान में इन्वेस्ट करने को तैयार है सो लुक एट द बिग अमाउंट चाइना इज टॉकिंग अबाउट सर मैं थोड़े ऐसे सवाल अगे बढ़ रहा विक्रमजीत तुसी ईरान की इन्वेस्टमेंट का जिक्र कर लिया तुसी चाह बार का भी जिक्र करोगे उस तो बाद मेरा सवाल यह है जो अमेरिकन कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं सानू उधर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए असी जो ट्रेड वार है ट्रेड वार के विचाले असी चाइना तो अगे निकल सकते कि नहीं निकल सकते देखो ट्रेड वार में चाइना साढ़े तो हावी रहेगा क्योंकि तुसी देखो साड़ी अपनी इकोनॉमी फेल हो रही है लुक एट आवर ओन इकोनॉमी इवन बिफोर कोविड वी वर अ फेलिंग इकोनॉमी मैं सर चाइना का भी डाटा पढ़ रहा विक्रमजीत तुहाडी गल नूं अगे वधा रहा मैं चाइना का भी डाटा पढ़ रहा सीगा कोविड के दौर तो बाद भी उन्होंने अनइंप्लॉयमेंट है जी उस ज़्यादा फर्क नहीं पाया कोई इकनोमिक है उन्हें ज़्यादा असर नहीं पाया साढ़े तो बहुत ज़्यादा असर पाया विक्रमजीत
ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਕੇਪੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਗਰਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈਸ ਪਿਕਡ ਅਪ ਇਨ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈਸ ਪਿਕਡ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਰਸਟ ਮੂਵਰ ਇਨ ਦ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਵਰਲਡ ਰਾਈਟ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਚਾਈਨਾ is going to pay big costs but all the calculation hun kis had tak ye calculation successful hui hai ki nahi ye time hi dasuga but china di ye calculation hai ki assi cost pay karange par assi world nu dominate karange par jehdi saadi sir cost honi hai vikramjeet saadiyan faujan ne utthe jana hai jehdi movement honi hai sab kuch hona hai kyunki is waqt mausam tuhanu pata khatarnak hai vikramjeet assi var var da zikr karde pe main to KP, मैं तुहानू एक पॉइंट आई विल गिव यू अ फ्यू पॉइंट्स के तुहाडे व्यूअर एक गल नू समझ आ जी अगर साडी फौज दे टू डिविजन्स प्लस आर नाउ इन ले एडिशनल ठीक है प्लस दे आर टू आर्मड ब्रिगेड्स नाउ हुण तुसी अंदाजा लाओ तुहाडे तुहाडे व्यूअर्स एक गल नू समझणगे कि अगर असी एक ट्रक श्रीनगर टू ले लैके जांदे ने उस एक ट्रक विच 10 टन दा माल है ठीक है और 10 टन का माल ट्रक जाता है श्रीनगर टू ले 1 लाख रुपया लगता है एक ट्रक लिए साडा जरा C-17 ग्लोब मास्टर है यूएस का एयरक्राफ्ट वो 50 टन कैरी करता है एक उसकी एक घंटे की फ्लाइट नू सानू 24 लाख रुपए लगते राइट साडा एक सोल्जर जरा सुपर हाई ऑल्टीट्यूड से डिप्लॉयड होंगे सुपर हाई ऑल्टीट्यूड मीनस ओवर 14,000 फीट जी उन्होंने दो सैट ऑफ क्लोथिंग चाहिए ने आर्कटिक लैवल क्लोथिंग जिड़ी वो सरवाइव कर सके लखा विच एक सोल्जर की क्लोथिंग आती है बिकॉज दे ऑल हैव टू बी इंपोर्टेड और परचेज फ्रॉम इंडिया एट वेरी हाई कॉस्ट क्योंकि दीज आर वेरी एक्सपेंसिव राइट तुम हम अंदाजा लाओ कि 30,000 ट्रुक्स लिए तुहानू कितना खर्चा पेगा हर विंटर लिए जी क्योंकि सारा ट्रक ते जा एरोप्लेन ते जाएगा टू ले लद्दाख राइट तुसी ये गल समझी गल नाउ यू सी द अदर पॉइंट व्हेन यू फाइट हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर तुहाडे सारी जिहड़ी गन्स दी रेडार दी रेंजिंग हुंदी है वो बदल जांदी है जी क्योंकि एयर इज वेरी थिन सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर फायरिंग आर्टिलरी योर शेल विल कैरी एट अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी ओदी सारी एडजस्टमेंट करनी है तुसी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫੈਂਸਿਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਲੱਸ 1 ਕੋਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਲੱਸ ਕੰਬੈਟ ਸਪੋਰਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ That is all left of Mountain Strike Corps. Hun budget te gal karo. Army de budget vich sirf 17% reh jayega capital modernization layi. 83% will go to salaries, pensions and expenditure on high altitude deployment. Kyunki tuhadi high altitude deployment LOC to laake Siachen to laake लद्दाख तो लैके अरुणाचल सिक्किम सेंट्रल सैक्टर हिमाचल उत्तराखंड वो पूरी थोड़ी जी बजटिंग रिसोर्स की है वह लग जाएगी आर्मी की डिप्लॉयमेंट ठीक है विक्रमजीत बहुत 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 इंपोर्टेंट पॉइंट सर तुम लैके आओ मैं एक छोटा ब्रेक लेना सर ब्रेक तो बाद आखिरी हिस्से में असं होवे एक एक पॉइंट दोनों मेहमान का फिर लवेंगे चीन किवें घेरेगी दुनिया पर सच है सानू जमीन ते देखना पवेगा साडे माली हालात की है बाकी देशों दे माली हालात की है असी रोटी रुजगार लिए लड़ते पए हैं पर जो योजना लड़ाई के मौके पैदा किए जाए हालात पैदा हो किए जा उदो भावनावां विच बह के नहीं जमीनी हकीकत जान के स्टूडियो के आवाज़ चक्या करो कि सानू जंग चाहिए है सानू हल चाहिए ये मंच कदे भी जंग की सपोर्ट नहीं करता ब्रेक तो वापस आ गया बड़ा सवाल असं यह पूछ रहे चीन हदा च रखने लिए भारत कि प्लानिंग लगा बायो साहब सर एक सवाल का जवाब दे दो मैं फटाफट प्लीज़ तुसी बायो साहब जो साडा विदेश मंत्रालय बयान दिंदा है राजनाथ साहब उत्थे जांदे है मिस्टर मोदी साडे प्रधानमंत्री उत्थे जांदे है उन्हां तिन्नां दे
विचाले जिहड़ा साडा मिस्टर डबाल साहब है एन एस सी है साडी इन्हां चारां दे विच जिहड़ी कोआर्डीनेशन तुहानूं दिखण नूं मिली है सी डी एस नूं वी नाल ला लो सर मेरा ख्याल है कि इहदे विच कोई शक नहीं मेरे दिल तो कोई शक नहीं मैं इसके बारे कुछ कह नहीं सकता कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं खास तौर पे सर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन है नहीं जी बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं जो नहीं जो भी हाँ जी कोऑर्डिनेशन का यह मतलब कि जो साडे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए है जो एक एन एस ए सी डी एस की जो कोऑर्डिनेशन हर चीज के सी डी एस इंटरफेयर करेगा हर चीज के डाउन टू लैवल और ग्राउंड लैवल तक इंटरफेयरेंस होगी उन्होंने दिता नहीं जाएगा एन एस ए का मैंने पता डबाल साहब ने इन्हों का कोआर्डिनेशन और रक्षा मंत्री के नाल और इन्हों आपस कोआर्डिनेशन कि वो अपने आप ही जाके मीटिंग करते हैं कि वो अप्राइज करते हैं कि नहीं पर मेरा ख्याल है कि इन चार एजेंसी का अलग अलग एजेंसी का आपस कोई कोआर्डिनेशन नहीं सर फिर बाया साहब जो विरोधी सवाल चुकते हैं मिस्टर राहुल गांधी वर्गे जो होर है फिर सर अभी उन्होंने किमें तवक्को करिए कि तुम इस मसले पर कट्ठे रहो जो तुम यहोजा सवाल चक रहे हो बाया साहब मैं चक रहा सवाल क्यों जो कोआर्डिनेशन नहीं कोआर्डिनेशन हुंदा ते जरूर पहलां दी चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां नूं असीं पहलां ही हाथ पा चुके होंगे और इस तक नौबत आउंदी नहीं ये जे कोआर्डिनेशन हुंदा ते नौबत आउंदी नहीं हुण तक जो भी चीज़ आई है और मेरा ख्याल कोआर्डिनेशन इन्हां नूं ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨਦਰ ਕਮਾਂਡ ਬਾਈ ਕਿਤੋਸ਼ੀ ਉਹ ਕੋ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਓਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਟ ਰਿਜੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜੈਕਟ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁਕਾ ਕਰੋ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਕਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਕਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਣਗੀਆਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਕਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਡਿਸਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਟਾਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭ ਅਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬਿਲਟ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾਦੀ ਦੋ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਰਤੇ ਚਾਰ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਰਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ ਬੜਾ ਵੋ ਕਰ ਦਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੇ ਪੀ ਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਚਾਈਨਾ ਪੈਂਗੋਂਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਡੈਪਸਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਚਲੋ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਮ ਪੀ ਐਸ ਬਾਜਵਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
दोबारा काम विदेश नीति पर भी काम करना पवेगा, साड़ी फौज की ताकत पर भी काम करना पवेगा, जिहड़ियां पाकिस्तान दे नाल सरहदां लगदियां जिन्ना काम असी उधर करदे पए आ ते उस तरीके नाल चाइना वाल असी क्यों नहीं कीता गा। ते जे असी डिप्लोमैटिक रूट देख रहे हां अमेरिका वाला जां आस्ट्रेलिया वाला जां जापान वाला, उस रूट्स नूं देखते हुए नाल सानूं इह वी देखना पवेगा कि जिहड़ियां जिहड़ी उचाई ते साडी सेना जाके बैठी है, जिहड़ी उचाई ते सारे इह मसले खड़े होए आ, उस उचाई ते साडे नाल कौन खड़ेगा। सवाल बहुत सारे आ चीन नूं किवें घेरेगी दुनिया, जे दुनिया ने चाइना नूं घेरना हैगा तां बहुत कुछ सानूं आउण वाले समें दे विच देखना पवेगा। पर फिलहाल जिहड़े हालात है वह तनावपूर्ण है। एक बार फिर यह मंच कहिंदा जंग किसी मसले का हल नहीं, पर जे चीन आपकी जित ते अड़िया तो उस जिद नूं भी तोड़ना पवेगा। बहुत धन्यवाद।